हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है, ये हम सब पेरेंट्स जानते हैं। पर माँ के दूध की फीड के अलावा भी 4 से 5 महीने के बाद बच्चे को हम सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं, कुछ पौष्टिक आहार ढूंढना शुरू करते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहे। तो उसमें ही कुछ हम एक ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी रेसिपी बना करके आप बच्चे का वेट गेन करा सकते हो। काफ़ी पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम, हमारे बच्चे का इतना मंथ हो गया है, इतना ही वेट है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, बच्चे की इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो रही, बच्चा हर टाइम बीमार रहता है। तो ये जो रेसिपी हम आपके साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आप बच्चे को दीजिए। उसमें एज के अकॉर्डिंग क्या आपको चेंजेस करने हैं, कितनी क्वान्टिटी को कैसे चेंज करना है, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि आप बच्चे को किस महीने में क्या दें जिससे बच्चे का वेट गेन काफ़ी जल्दी हो सकेगा, और साथ में जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उस रेसिपी को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप बना के उसको स्टोर कर सकते हो, वो भी हम ज़रूर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये जानना कि बच्चे के लिए खजूर बहुत बहुत अच्छा चीज़ होता है। बच्चे को डाइट में आपको खजूर ज़रूर देना चाहिए। खजूर में प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, कैरोटीन, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। खजूर में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो बच्चे की हड्डियों के लिए, जो कमज़ोर हड्डियां होती हैं, जो हड्डियां डेवलप हो रही होती हैं, उनको मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। खजूर एनीमिया के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जिन बच्चों की को बॉडी में खून की कमी होती है, या क्योंकि खजूर में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो फॉलेट की क्वान्टिटी भी उसमें काफ़ी अच्छी होती है, जो बच्चों की बॉडी में आयरन की कमी को पूरा करता है और अच्छी क्वान्टिटी में आयरन डेवलप करता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ खजूर से आयरन, बच्चों की आंखें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट है जो आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और साथ ही साथ इसमें बच्चों की याददाश्त की जो ताकत होती है वो डेवलप होती है, बच्चों का मस्तिष्क दिमाग काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खजूर खाने से बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी डेवलप होती है, तो ये ओवरऑल बच्चे को अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करने में काफ़ी मददगार होता है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है खजूर खिलाते टाइम, कि बच्चे को खजूर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, और हमेशा बच्चे को खजूर धो करके ही दें, सीड निकाल के दें, और ऐसा खजूर चुनें जो बहुत ज़्यादा सूखा ना हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, जो बच्चे को खाने को ईजी रहे। आपको सबसे पहले खजूर लेना है, उसमें से सीड्स निकाल लेनी है, डी सीडेड ही लेने हैं। डी सीडेड लेने के बाद उसको अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको पानी गर्म लेना है, बॉइल्ड वाटर कर लीजिए, थोड़ा सा वार्म, तेज वार्म पानी ले लीजिए, उसमें आपको ये खजूर को डिप कर देना है, छोड़ देना है। वॉश करने के बाद उसमें बॉइलिंग वाटर या गर्म पानी में इसको सोक करके 2 से 3 घंटा मिनिमम सोक करना है। 3 घंटे सोक करने के बाद आप देखोगे खजूर थोड़े फूल गए होते हैं। उसके बाद उसको आप जार में शिफ्ट करके उसका पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को आपको पैन में लेना है, पैन में उसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करिए, जब तक खजूर का जो एक्सेस पानी है वो ड्राई आउट ना हो जाए। जैसे ही खजूर हल्का सा ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप उसको ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको आप एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर लीजिए। ये खजूर का पेस्ट आप मिनिमम 7 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हो सर्दियों में। अब ये खजूर का जो प्यूरी तैयार हो गई है, इसको आप कोई भी रेसिपी में आराम से बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप दलिया बनाओ, आप सूजी की खीर बनाओ, कोई भी एप्पल की प्यूरी कुछ भी बना रहे हो, उसमें आप ये डेट्स का जो प्यूरी है 1 स्पून अपना बच्चों की रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी रेसिपी खजूर से रिलेटेड। ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज आपके मन की मैंने सॉल्व कर दी है इस वीडियो में। फिर भी कोई क्वेरी रह गई तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आप बच्चों को खजूर 8-9 मंथ से दे सकते हो, प्यूरी के फॉर्म से ही शुरू करिए, क्योंकि डायरेक्टली बच्चों को चोकिंग का रिस्क रहता है। प्यूरी से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे जब बच्चा जैसा बड़ा हो जाए उसको छोटे छोटे पीसेस में खाने को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी अभी भी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करेंगे। और इसकी प्यूरी जो हमने बनाई है, इसको आप जब रेसिपी में यूज़ करोगे तो बच्चे का डेफिनेटली वेट गेन भी होगा और इम्यूनिटी ज़रूर डेवलप होगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।